मैं ना इकबाल तांत्रे सर, आप देख रहे हैं कि बैंक के बाहर जो हजूम है, ये कोविड-19, अगर इसको कोविड-19 कहा जाता है, आप मुझे बताइए कि कहाँ लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग में हैं, चिपके हुए हैं लोग 6 बजे घर से निकलते हैं, लाइनों में लग जाते हैं, लाइनों की कतारें देखिए आप। हमारे पास ATM 2 हैं, मगर अफसोस की बात है, मैं आपके चैनल के साथ से ये कहना चाहूंगा, हमारे पैसे हम ही लाइन में हम ही घंटों का जो है वेट करते हैं। हमें 1000 रुपया निकालना है, सुबह 5 बजे 6 बजे निकलाते हैं घर से, क्योंकि हमने 1000 रुपया घर से लाना है, ताकि हम लाइन में कतार में रहकर, ये आप SOP जो कह रहे हैं कोरोना वायरस है, ये तो कोरोना वायरस की दजियां निकाल रहे हैं। 80 साल के बुजुर्ग है यहाँ पर, 80 साल की माए है यहाँ पर, जहाँ 2-3 दिन घंटे जो लग रहे हैं। हमारे पास 2 ATM है, वो भी खराब है, जो एक सिर्फ एक काउंटर रखा कैश के लिए ना। मुझे ये बताओ, मुझे समझ नहीं आए एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहे हैं, डी साहब क्या कर रहे हैं, क्या मंडी के लिए जो 2 ब्रांचेस सैंक्शन हुई है, अड़ाई के लिए हुई है, सावजे के लिए हुई है, अभी तक जो है वो क्यों नहीं ओपन की जाए। अगर ओपन हुई हो जाती, आप इन लोगों को नहीं होते। मैं एज ए सोशल वर्कर, मैं आपके चैनल के साथ से ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा हो रहा, कोरोना जो मंडी में कहर बन के उतरेगा, पर उसकी जिम्मेवार जो होगी ये लोग नहीं होंगे, ये एडमिनिस्ट्रेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर किसी का ख्याल नहीं रखा गया, यहाँ बुजुर्ग एक दूसरे के चिपके हुए हैं। मैं आपके चैनल के साथ से जरूर कहना चाहूंगा कि अगर ये जो 2 बैंक ब्रांच है वो नहीं खोलेगी, तो ये जो कोरोना का कहर यहाँ पर भी बरसेगा।